हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने एंड्रॉयड डिवाइस को अपने एंड्रॉयड टीवी से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, वो भी बहुत ही आसानी से। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए ये चलिए शुरू करते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको शुरू करने से पहले एक बात और बता दूँ कि अगर आप अपने एंड्रॉयड डिवाइस में ऐसा एज वाला वॉलपेपर लगाना चाहते हैं तो मैं आपको एक वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप नीचे डिस्क्रिप्शन से जाकर चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी इसके लिए, एक अपने एंड्रॉयड फ़ोन को एंड्रॉयड टीवी से कनेक्ट करने के लिए। वो ऐप आपको प्ले स्टोर पर अवेलेबल हो मिल जाएगी। आपको प्ले स्टोर ओपन करना है और जाकर सर्च करना है गूगल होम। हो सकता है आप इस ऐप के बारे में पहले से ही जानते भी हों फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये ऐप मेरे फ़ोन में पहले से ही इंस्टॉल्ड है। आपके में अगर ये इंस्टॉल्ड है तो आप इसे ओपन कर लेना, अगर नहीं है तो इसे पहले इंस्टॉल करना फिर ओपन कर लेना। तो ये ओपन हो रही है फ्रेंड्स। जैसे ही अब ये ओपन हो जाए, जैसे अब आपको इसके बाद नीचे आपको यहाँ पर ये ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको इस पर टैप कर देना है, ये वाला ऑप्शन। इस पर जैसे ही आप टैप करेंगे आपके सामने इस टाइप का पेज ओपन हो जाएगा। मैं आपको एक सेकंड क्लियर करके दिखा देता हूँ फ्रेंड्स। ये क्लियर हो गया। नीचे थोड़े जाना है, ये आपको मिरर डिवाइस दिख जाएगा, आपको इस पर टैप कर देना है। अब आपको ओके कर देना। अब इसके बाद आपको सिंपली ये कास्ट स्क्रीन ऑडियो पर टैप कर देना है। आपका टीवी शो हो जाएगा, पर आपका टीवी तभी शो होएगा जब आपका टीवी और आपका एंड्रॉयड डिवाइस, एंड्रॉयड टीवी और एंड्रॉयड डिवाइस दोनों सेम ही वाईफाई नेटवर्क पर कनेक्ट हो। जैसे कि मेरे दोनों सेम ही वाईफाई नेटवर्क पर कनेक्टेड हैं, ये आप देख सकते हैं। ये भी एंड्रॉयड टीवी वाईफाई पर कनेक्टेड है मेरा एंड्रॉयड डिवाइस। अब मैं आपको अपना टीवी भी दिखा देता हूँ। एक सेकंड फ्रेंड्स, आप एक सेकंड रुक जाइए, मैं भी आपको टीवी भी दिखा देता हूँ एंड्रॉयड टीवी अपना। तो फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये एंड्रॉयड टीवी भी आपका एंड्रॉयड एपी वाईफाई नेटवर्क से ही कनेक्टेड है। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, एंड्रॉयड एपी से ही कनेक्टेड है। तो फ्रेंड्स, अब आपको इसके बाद करना क्या है, अपने एंड्रॉयड डिवाइस में जाना है। तो मैं आपको एंड्रॉयड डिवाइस के पास ले चलता हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं अपने एंड्रॉयड डिवाइस के पास। अब हमें सिंपली वहीं जाना है। मैंने बैक कर दिया मिरर डिवाइस। ओके, ये आपके फ़ोन में शो कर सकता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कास्ट स्क्रीन ऑडियो पर टैप करना है। इसके बाद आपका लिविंग रूम टीवी शो हो जाएगा। याद रखना फ्रेंड्स, ये तभी शो होएगा जब आपका टीवी और आपका डिवाइस सेम वाईफाई नेटवर्क पर कनेक्ट हो, और ये बिना नेट के नहीं होएगा। जैसे ही मैं इस पर टैप करूँगा ये कनेक्टिंग शो हो जाएगा, और अब ये कनेक्टेड हो जाएगा। ये आप ऊपर भी देख सकते हैं नोटिफिकेशन में, कास्टिंग स्क्रीन कनेक्टेड टू लिविंग रूम टीवी। मेरे टीवी का नाम लिविंग रूम टीवी है, बाकी आपके का जो भी हो। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको टीवी के पास ले जाकर दिखा देता हूँ, मेरा डिवाइस कनेक्ट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, चलिए टीवी के पास चलते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, अब मैं आपको अपना फ़ोन भी दिखा देता हूँ साथ में। अब मैं बैक कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं टीवी भी साथ साथ चल रहा है। मैं आपको कुछ भी खोल कर दिखा देता हूँ। ये मैं आपको कुछ भी दिखा देता हूँ, जैसे आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम चल रहा है। तो फ्रेंड्स, है ना बहुत आसान, आप इसको बहुत इजीली कर सकते हैं। आप टीवी में जो भी करेंगे वो आ जाएगा। ये क्लियर नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड्स, है ना बहुत आसान। और हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि अगर आप चाहते हैं अपने एंड्रॉयड टीवी को अपने फ़ोन से इजीली कंट्रोल करना, रिमोट की तरह अपने फ़ोन को रिमोट बनाना, तो मैं आपको वो भी बता दूंगा। आपको बस मुझे कमेंट कर बता देना, क्योंकि अगर मैं इस वीडियो में वो बताने लग जाऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।